छात्रों, आज हम चैप्टर टू प्रतिलोमवृत्ति फलन का अध्ययन करेंगे और ये अभी हम प्रयोग कर रहे हैं। हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत समस्याएं हो तो एडजस्ट करिएगा, फिर इसके बाद ढंग से इसको बनाया जाएगा। तो प्रतिलोमवृत्ति फलन मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं और इन तीन प्रकारों में साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और टैन इनवर्स एक्स, और इनके व्युत्क्रम तीन होते हैं, साइन इनवर्स का कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स का सेक इनवर्स एक्स और टैन इनवर्स का कॉट इनवर्स एक्स। तो अब हम इनके बारे में और इनके ग्राफ के बारे में, इनका प्रभाव क्षेत्र और रेंज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ये है क्या प्रतिलोमवृत्ति फलन, इस पर बात कर लेती हूँ। इनको अलग से डिफाइन किया गया है और साइन इनवर्स एक्स को सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इसको हम साइन एक्स की पावर माइनस वन नहीं ले सकते क्योंकि ये अलग से डिफाइन किए गए हैं और इनवर्स फलन अगर है, अगर इसके अतिरिक्त अगर माइनस टू पावर है तो हम कर सकते हैं, लेकिन माइनस वन पावर में इसको इनवर्स फंक्शन ही मानना है। तो साइन इनवर्स एक्स को बेसिकली आपको यही लेके चलना होगा। अगर आप इनका व्युत्क्रम भी करना चाहते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से इसको आप थीटा ज़ूम करके सब चीज़ें उसी तरह देख सकते हैं। जैसे साइन इनवर्स एक्स को हम कॉसेक इनवर्स एक बटे एक्स लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसी चीज़ को समझते हैं ये किस तरह होगा। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हमने ज़ूम कर लिया कि ये थीटा है। अब हम यहाँ से एक्स फाइंड आउट करेंगे तो एक्स इक्वल टू मिलेगा साइन थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री से आप इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं, अब वन अपॉन एक्स और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉसेक थीटा। अब आप यहाँ से थीटा फाइंड करेंगे तो कॉसेक थीटा इक्वल टू हमें पता है एक बटे एक्स, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक बटे एक्स, और यही थीटा हमने यहाँ अज्यूम किया था साइन इनवर्स एक्स और ये थीटा आपका आया कॉसेक इनवर्स एक्स। तो इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होगा कॉसेक इनवर्स एक्स के। इसी तरह हम सारे प्रतिलोम फलनों के मान और रेसिप्रोकल मान निकाल सकते हैं। जब भी आपको साइन इनवर्स एक्स इनवर्स दिखे तो आप इससे ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा जा सकते हैं, आप उसको थीटा अज्यूम करें और ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से चीज़ें चेंज करके फिर आप उसमें इनवर्स ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये तो साइन इनवर्स एक्स का रहा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये किस एक्स पर परिभाषित हैं और इनकी रेंज क्या होती है, डोमेन क्या है, इसका आपको बहुत ध्यान रखना। इनका जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है और इसके बारे में आपको अध्ययन ढंग से होना चाहिए। तो अब हम बारी बारी से साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स की बात करेंगे, इसके बाद इनके रेसिप्रोकल्स जो इनके व्युत्क्रम फलन हैं उनको देखा जाएगा। तो मैं क्रम से अब इनका चेकअप परिभाषित हैं और ये किस तरह डिफाइन किए गए हैं अब इन पर बात करते हैं। तो सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स को ही लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स इसको वाई ज़ूम कर लेंगे, ऐसे फंक्शन भी है। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, यानी कब डिफाइन होता है, और इसके आउटपुट में जो वैल्यू मिलती है यानी इसकी रेंज क्या होती है, अब हम इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो इसका x है या कहें डोमेन है, इसकी डोमेन होती है x बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन, यानी जब x माइनस वन से वन होगा तभी ये फंक्शन डिफाइन होता है। या ये कहें कि साइन x फंक्शन जो होता है वहीं से इनवर्स निकाला गया है और साइन x फंक्शन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में वन वन होता है, इसलिए इसका इनवर्स उतने में ही ज्ञात किया जाता है। उसकी बात अभी इनवर्स की बाद में होगी। तो डोमेन इसका होगा साइन इनवर्स माइनस वन से प्लस वन तक, यानी माइनस वन प्लस वन भी कंसिडर हो रहा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन लेस देन इक्वल टू वन, ये डोमेन हो गया। अब आते हैं इसकी रेंज पर। तो इतने एक्स के इनपुट हम इसमें जब देते हैं तो जो वैल्यू मिलेगी y की, तो इसकी जो रेंज होती है, रेंज या कह सकते हैं y की वैल्यू या आल इनपुट पर जो आउटपुट वैल्यू होती है वही रेंज कहलाती है। तो रेंज या y की वैल्यू यहाँ मिलती है, रेंज बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू।
यानी किसी भी x पर अगर ये डिफाइन है तो उसकी वैल्यू आपको इतने बीच में ही मिलेगी।